नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इन दिनों देश में राफेल के मुद्दे को लेकर बेशक सियासत गर्म हो, लेकिन अब भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है और वो दिन अब नजदीक आ गया है जिसकी लंबे समय से पूरा देश आस लगाए बैठा था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत आखिर रक्षा के क्षेत्र में कौन सा इतिहास रचने जा रहा है। बता दें कि भारत रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए समझौता करने जा रहा है, जिसकी डील लगभग $5 बिलियन की मानी जा रही है। साथ ही इस कदम से भारत के डिफेंस सिस्टम में बड़ी मजबूती देखने को मिलेगी। अब आपको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं कि आखिर इसकी क्या खासियत है और भारत के लिए क्या उपयोगी है और क्या जरूरत है इसकी। दरअसल इस सिस्टम को भारत में आ जाने से देश की सामरिक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और साथ ही इससे वायु सीमा का सुरक्षा घेरा मजबूत हो जाएगा। बता दें कि S-400 मिसाइल डिफेंस के लिए दुनिया का सबसे दमदार सिस्टम में से एक माना जाता है और ये सिस्टम भारतीय वायु सीमा को दुश्मन के क्रूज मिसाइलों फाइटर जेट्स से सुरक्षा दिलाएगा और साथ ही जमीन से जमीन इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, तो वहीं ये जमीन से हवा में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखता है। इस वायु रक्षा प्रणाली में तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं। पहला है मिसाइल लॉन्चर ट्यूब। S-400 में चार ट्यूब होते हैं जिनमें एक बार में चार मिसाइलों को दागा जाता है। दूसरा है कमांड पोस्ट। इसमें कंट्रोल करने वाली यूनिट होती है जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का पता लगाती है। और तीसरा बेहद खास है, वो है रडार यूनिट जो तेज रडार सिस्टम से लैस है। इस रडार की खासियत है कि इसे बिना घुमाए 360 डिग्री का कवरेज पाया जा सकता है। यह रडार सिस्टम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। बता दें कि अगर भारत S-400 को यदि पाकिस्तान से सटी सीमा पंजाब, गुजरात, राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में तैनात कर देता है तो 70-80% एयरबेस इस मिसाइल सिस्टम की निगरानी में आ जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की उड़ान भरते ही यह सिस्टम उन्हें ट्रैक करके खत्म कर देगा। साथ ही चीनी सीमा के नजदीक इस प्रणाली की तैनाती होने पर तिब्बत सहित चीन की सीमा से सटे एयरबेस इस प्रणाली की मारक क्षमता के दायरे में आ जाएंगे। खास बात तो यह है कि दुनिया में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन और तुर्की के बाद सिर्फ भारत के पास ही होगा। वहीं इस डील को देखकर अमेरिका तिलमिला रहा है। अमेरिका को चिंता इस बात को लेकर है कि S-400 का इस्तेमाल अमेरिका फाइटर जेट्स की स्टील क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही सिस्टम से भारत को अमेरिका जेट्स का डेटा मिल सकता है। अमेरिका को यह डर भी सता रहा है कि यह डेटा रूस या दुश्मन देश को लीक भी किया जा सकता है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।